नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, कुरान की गलत व्याख्या न करें मुस्लिम। गुजरात उच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में आदेश जारी करते हुए कहा है कि एक से ज्यादा पत्नियां रखने के लिए मुस्लिम पुरुषों द्वारा कुरान की गलत व्याख्या की जा रही है और ये लोग स्वार्थी कारणों के चलते बहुविवाह के प्रावधान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि देश समान नागरिक संहिता को अपना ले, क्योंकि ऐसे प्रावधान संविधान का उल्लंघन है। न्यायाधीश जेबी पारदीवाला ने भारतीय दंड संहिता की धारा 494 से जुड़ा आदेश सुनाते हुए ये टिप्पणियां की। भारतीय दंड संहिता की ये धारा एक से ज्यादा पत्नियां रखने पर सजा से जुड़ी है। असम में फिर शुरू हुआ इस्लामिक आतंक। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि राज्य में इस्लामी उग्रवाद फिर से सिर उठाने लगा है और साथ ही माओवादी भी सक्रिय हो गए हैं, लेकिन राज्य सरकार उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। गोगोई ने कहा कि इस्लामी संगठन, माओवादी और अन्य सभी उग्रवादी संगठन राज्य में समस्या खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सतर्क हैं। गोगोई ने दावा किया कि NDFV और उल्फा जैसे उग्रवादी समूह के कई शीर्ष नेताओं का सफाया होने या उन्हें बंधक बना लिए जाने के कारण उग्रवाद कमजोर हो गया था, लेकिन अब सभी फिर से एकजुट हो रहे हैं। आजम खान पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं सपा महासचिव आजम खान के खिलाफ देशद्रोह के मामले में वादी का बयान दर्ज हो गया है। बजरंग दल के जिला संयोजक उज्जवल गुप्ता ने 2011 में आजम के कश्मीर पर दिए गए एक विवादास्पद बयान पर उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराया था। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 20 नवंबर तय की है और इस तारीख पर आजम को तलब किया जा सकता है। आजम ने दिसंबर 2010 में एक आंदोलन के दौरान कथित रूप से कहा था कि गुलाम नबी आजाद मनमोहन सिंह सरकार में कश्मीर से एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं, जिसके बारे में स्पष्ट नहीं है कि ये भारत का हिस्सा है या पाकिस्तान का। सूरज ने छीना मंगल ग्रह से पानी और वायुमंडल। नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा आखिरकार उस कारण का पता लगाने में सफल रही जिसके कारण मंगल पर जीवन की संभावनाएं खत्म हो गई और ये एक निर्जन ग्रह के रूप में परिणित हो गया। मंगल ग्रह पर पानी और जीवन की संभावनाओं की खोज में लगे नासा के अनुसंधानकर्ताओं ने खुलासा किया है कि मंगल पर जीवन की संभावनाओं को खत्म करने वाला कोई और नहीं, सूर्य ही है। सौर ज्वालाओं के कारण लाल ग्रह पर मौजूद पानी सूख गया और वायुमंडल भी नष्ट हो गया है। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।